हेलो, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधे कृष्ण की जय। आप लोग सब कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हो गई हूँ एक नए दिन से, नए दिन की शुरुआत ब्लॉग लेके। बारिश हो रही है बाहर, पता है आपको? रात को गर्मी हो रही थी, अभी आज बारिश हो रही है। थोड़ी थोड़ी बारिश है अभी, क्योंकि एक्चुअली मुंबई में पानी चाहिए ना, तो बारिश तो चाहिए। मुंबई में पानी नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी तो मुंबई में पानी कहाँ से होगा? पानी से तो सब कुछ मुंबई में चलता है, पानी से लाइट चलती है, सब कुछ चलता है ना, इसलिए पानी होना बहुत ज़रूरी है। तो बारिश भी होएगी और ज़्यादा। बारिश नहीं हुई है इधर मुंबई में इतनी ज़्यादा, पहले हो रही थी कंटिन्यूज़, तो इधर अभी बारिश इतनी नहीं है क्योंकि पानी चाहिए मुंबई में। तो अभी बारिश हो जाएगी तो पानी हो जाएगा। तो आज मैं जस्ट कोई टॉपिक लेके नहीं आई हूँ, जस्ट ऐसे ही बातें करने आई हूँ आपसे। तो आ जाओ, खा लो नमकीन, खा लो। ये जस्ट मैंने ना हॉस्पिटल में मावशी थी ना, मावशी से नमकीन मंगवाया था 50 रुपीज़ में, इतना आता था, इतना। अभी आधा खा लिया है मैंने। एक्चुअली भूख लगती है ना उधर चाय पीने के टाइम पे, तो फिर साथ में रखी है वो नमकीन, और इधर से एक बिस्किट का पैकेट लेके जाती हूँ मैं। कई बार टाइम मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता है टाइम तो। हस्बैंड का फोन आ गया, बोलते घर वाली चाबी तो नहीं रहेगी इधर। फिर मैंने देखा अभी तो घर वाली बोलते नहीं 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 मिल गया मेरे को चाबी। वो एक्चुअली जेब में होगी, कहीं पे रख देते हैं ना, तो इसलिए उनको लगता है कि चाबी तेरे पास पड़ी है। तो अभी ऐसा ही है बस शेड्यूल। अभी हम नवंबर में कहीं जा रहे हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सरप्राइज्ड है ये मेरे लिए और मेरी पूरी फैमिली के लिए और यूट्यूब फैमिली के लिए, क्योंकि अभी तो आधा काम हो गया है, जस्ट आधा पेंडिंग है मेरी छुट्टियों का। तो मैंने उनके ऊपर ही छोड़ा है, मैंने जहाँ पे जा रही हूँ मैं उनके ऊपर ही छोड़ा है। वो मेरे को खुद दिलाएंगे छुट्टियाँ, और मैं पूरा विश्वास रखती हूँ उनके ऊपर, वो मेरे को छुट्टी दिलाएंगे बिना अर्चन के छुट्टी दिलाएंगे, और मैं उनके ऊपर भरोसा करके चल रही हूँ नवंबर तक। ऐसा है, तो मैं जब जाऊंगी वहाँ पे तो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ, जिस जिसने भी जाना है ठीक है, तो मैं मतलब बताऊंगी नेक्स्ट कभी भी बता सकती हूँ। तो जिस जिसने भी जाना है चल जा सकते हैं वहाँ पे, और जिस जिसने भी अपनी विशेज़ कुछ बोलनी है तो आप मेरे को कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उधर बोल के आ जाऊँगी सबकी, ठीक है? और सबके लिए दुआ भी मांग के आ जाऊँगी। तो आप बोल देना मेरे को कमेंट में, जब मैं व्लॉग डालूँगी वो वाला कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो उस वाले व्लॉग में बोलना सब लोग, मैं सबके लिए दुआ लेके आऊँगी, सबके लिए विशेष मांग लूँगी उधर, ठीक है? और जिस जिसको भी चाहिए दुआ तो बोलना प्लीज़ कमेंट में करो, और मैं सबके लिए फिर दुआ मांगूंगी उधर जाके, ठीक है? क्योंकि मेरे को बुलाया, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मेरे को उधर बुलाया है, ठीक है? इन्होंने तो, कईयों को बहुत टाइम लगता है बुलाने के लिए, ठीक है? मेरे को तो चल जल्दी से बुला लिया, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, इसलिए मैं हमेशा थैंक यू बोलूँगी हर चीज़ के लिए, उनको थैंक यू बोलूँगी, घर के लिए, परिवार के लिए, सब चीज़ के लिए थैंक यू बोलूँगी। आपको भी एक चीज़ बोलूँगी, हमेशा भगवान को याद रखो, हमेशा हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलो, उनको ब्लेम मत करना कभी भी, भगवान को ब्लेम मत करना कभी भी, क्योंकि आपसे ज़्यादा उनको पता है कि आपके लिए चीज़ कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको पता है आपके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसलिए अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिलती है, उससे उदास होते हो, तो आप ब्लेम करते हो भगवान को, वो तो मत ही करो, क्योंकि वो आपके कर्म है, वो आपको चीज़ मिलेगी। अगर आपके भाग्य में रहेगी ना वो चीज़ आपको मिलेगी, अगर आपके भाग्य में नहीं रहेगी मुँह तक आगे भी चली जाएगी, इतना मैं बोल सकती हूँ आपको, ठीक है? ये एक्सपीरियंस है, ये एग्जाम्पल है आपके लिए कि अगर चीज़ नहीं रहेगी वो आपके मुँह तक आके भी चली जाएगी, ठीक है? तो हमेशा भगवान को हमेशा आगे रखो, और उनका हमेशा पूजन करो, सिमरन करो। जिस जिसको भी भगवान को मानते हो आप, आपकी फैमिली मानती है, जिसको भी मानते हो, उनको पूजन करो, भजन सुनो, कीर्तन करो, सब कुछ करो, ठीक है? क्योंकि आज के टाइम में भगवान का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चल रहा है कलयुग, ठीक है? बस यही थोड़ा बताना था मैंने आपको, बाकी मैं ब्लॉग नए में बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, ठीक है? तो और तो बस यही है, बारिश हो रही है, मैं कि चलो थोड़ी देर रुक जाती हूँ, 10 मिनट बारिश थम जाएगी तो निकल जाती हूँ। अपना छाता क्यों गीला करना, मैंने आपको बताया
छाता गीला हो जाता है ना, तो मेरे को चिक चिक हो जाता है फिर। ठीक है, बस ऐसे ही है, वीडियोस वगैरह डालती हूँ तो प्लीज सब्सक्राइब किया करो। मैंने ना अपना कम्युनिटी में भी मतलब क्वेश्चंस डालती हूँ, समझ आता है तो सब्सक्राइब किया करो और लाइक भी किया करो, ऑप्शन भी देती हूँ मैं, कुछ नहीं लाइक कर दिया करो समझ आएगा। थोड़ा नॉलेज का भी डालती हूँ, थोड़ा अभी कल से आज से मैं जीके भी डाल दूंगी, तो देखती हूँ मैं डालती हूँ जीके भी, तो आप प्लीज उसमें जाओ और वोटिंग भी करो। ठीक है, वोटिंग करेंगे तो मेरे को सब्सक्राइब मिलेंगे ना, इसलिए तो वोटिंग भी करो और मेरा ये कम्युनिटी में जाके लाइक भी किया करो, सब कुछ किया करो। ठीक है, और तो बस ऐसा ही है, चल रहा है, इवनिंग ड्यूटी फिर से चालू है, कल ऑफ था तो कल हम गए थे कहीं पे ऐसे नाइट आउट पे थोड़ा सा घूमने के लिए नॉर्बिट मॉल में, तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा ऐसे था, मेरे पैर में थोड़ा चप्पल लगी थी तो चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए मैं नहीं बना पाई। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी मैं नॉर्बिट का व्लॉग। ठीक है, तो बस ऐसा ही चालू है, अभी बारिश लग रही है, कपड़े कुपड़े सब धो रखे थे मैंने कल, कि एक्चुअली बारिश अगर फिर से आ गई ना तो कपड़े नहीं सूखेंगे, धो के मैंने कुछ बाहर रखे थे कुछ अंदर डाल दिए थे, तो अंदर सूख गए अभी कपड़े बिल्कुल, तो अभी अभी इकट्ठे करके रखे, शाम को आऊँगी मैं, दाल बना के जा रही हूँ, आटा गूंदा पड़ा है, तो आके चपाती बनानी और कपड़ों की तय लगानी है, अच्छे से बना के रखने हैं कपड़े। प्रेस नहीं हो रही है मेरे से, पता नहीं क्यों नहीं हो रही, आज भी बहुत नींद आ रही है, छुट्टी वाले दिन तो नींद नहीं आती है, पता नहीं क्यों, छुट्टी वाले दिन कल नींद नहीं आई, जब जाना रहता है ड्यूटी के लिए तब नींद आती है। चलो मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ इवनिंग ड्यूटी पे, मिलती हूँ आपको अगले दिन, नेक्स्ट दिन से नेक्स्ट दिन की शुरुआत। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, राधे कृष्ण की जय, खाओ पियो अच्छे से, इंजॉय करो। ठीक है, ध्यान रख लो, बड़ों का भी छोटों का भी ध्यान रख लो, बड़ों का सत्कार करो छोटों का आदर करो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।